बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की है। नीतीश सरकार की ओर से जारी की गई इस रिपोर्ट के बाद से एक बार फिर से देश में जातीय जनगणना करवाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बिहार में जातिगत सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद कई राजनीतिक दल देश भर में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग उठा रहे हैं। कई दल और नेता इस मांग के समर्थन का दावा कर रहे हैं। इनमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी शामिल है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। वही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान भी सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद आया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने इसे रोकने की कई बार कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। सुनिए। सबसे पहले मैं देश को, बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे लेकिन बिहार में हम लोगों ने जातीय आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की, कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का,
तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63% है। अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% है। सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।